सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया है एंड हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा है, व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर, आफ्टर दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। इतना पार्ट हमने स्टडी किया है। जस्ट एक बार सभी टर्म्स रिलेटेड जो रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर जो भी है उसका एक बार रिविजन लेते हैं एंड उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो पहला टर्म हमने देखा था दैट इज पोल। पोल मतलब क्या रहता है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। ओके, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हिच इज डिनोटेड बाय सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या रहता है, एवरी स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो वंस अगेन, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर एंड रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस का पार्ट देखा था। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या रहता है, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, आई एम गोइंग टू राइट हियर एक्सिस ओनली। उसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस मतलब क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रेज एक्चुअली मीट्स और ऑल रेज अपीयर्स टू मीट, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। सो फोकस तो यहां पे रहेगा आपका, फोकस करेक्ट है ना, इट इज द पॉइंट एट व्हिच ऑल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट्स और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर्स टू मीट। सो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, रेज एक्चुअली मीट करते हैं एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, रेज अपीयर्स टू मीट करते हैं, एक्चुअली मीट नहीं करते, ठीक है ना। फोकस का पार्ट देखा था एंड उसके बाद हमने फोकल लेंथ देखा था। फोकल लेंथ करेक्ट है ना, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या रहता है, the separation between focus and the pole, that is called as focal length. Separation between focus and pole is called as focal length. It is denoted by small f. Okay, ठीक है, small f, that is the focal length. उसके बाद हमने focal plane का भी definition देखा था। Focal plane मतलब क्या रहता है, plane passing through the focus, focus से pass होने वाला plane and perpendicular to the axis. Okay, तो यहाँ पे एक प्लेन रहेगा ना, इस तरह से एक वर्टिकल प्लेन रहेगा, फोकस से पास होने वाला प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ओके, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल सॉरी फोकल प्लेन बोलेंगे, ओके, फोकल प्लेन बोलते हैं उसको। इसके बाद हमने देखा था एपर्चर का भी डेफिनेशन देखा था। एपर्चर, एपर्चर मतलब क्या रहता है, इट इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर, इफेक्टिव रिफ्लेक्टिंग डायमीटर बोलते हैं, सॉरी एपर्चर मतलब क्या है, एपर्चर मतलब इफेक्टिव रिफ्लेक्टिंग डायमीटर उसको हम बोलते हैं, ओके। सो फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना, उसको क्या बोलते हैं, एपर्चर, व्हिच कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल डी। इतना पार्ट हमने स्टडी किया। उसके बाद यहाँ पे दो टाइप्स के रेज रहते हैं, वो भी हम देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेज, ओके, two types of rays यहाँ पे रहेंगे। दो type of rays कौन से रहेंगे, first is the paraxial rays and second is the, अभी paraxial rays मतलब क्या होता है, देखिए the rays which are close to axis, okay? मतलब axis के नजदीक जो rays रहते हैं ना, उसको बोलते हैं paraxial rays, the rays which are close to axis, ठीक है? And second है marginal rays होता है। marginal rays मतलब क्या होता है, देखिए the rays which are away from the axis, principal axis,
rays which are away from axis. ओके, इसको अगर डायग्राम में दिखाना है तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मिरर. कौन से टाइप का मिरर है ये बताइए, कौन से टाइप का मिरर है ये? Which type of mirror? This is concave mirror. Okay. So this is the concave mirror. ठीक है, यहाँ पे अभी ये axis है. The rays which are closer to the axis. मतलब suppose in this way there are number of rays like this. Number of rays which are incident on the mirror suppose like this. ठीक है. तो axis के close जो भी रेस रहेंगे ना, इस रीजन में रेस जो भी रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? पैराक्सियल रेस बोलेंगे. द रेस इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस व्हिच आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस उसको बोलेंगे पैराक्सियल रेस. एंड जो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे ना, मतलब ज्यादा दूर रहेंगे एक्सिस से, ज्यादा दूर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? यहाँ के रेस या फिर यहाँ के रेस क्या रहेंगे इसको बोलेंगे हम मार्जिनल रेज बोलेंगे. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? पैराक्सियल रेज मतलब रेज विच आर क्लोज टू द एक्सिस, मार्जिनल रेज मतलब द रेज विच आर अवे फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस के क्लोज नहीं रहेंगे. अभी एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रे ऑप्टिक्स जो है ना, this is related to mostly paraxial rays. Marginal rays के लिए ray optics obey नहीं करता है. Okay? Ray optics mostly related to paraxial rays. ये आपको ध्यान में रखना है. Okay? Okay. तो last time हमने important formula भी देखा था. That is focal length is equal to हमेशा mirror के लिए focal length कितना रहता है? R by 2 रहता है. ये आपको ध्यान में रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग ऑफ दी प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इसका डेरिवेशन फिर एक बार देखने की जरूरत नहीं ना. एफ इज इक्वल टू आर बाय टू का डेरिवेशन हमने लास्ट टाइम देखा था. उस डेरिवेशन में किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज आई कैन गो अहेड. अभी देखिए नीट या फिर मेंस के लिए इसका मतलब डेरिवेशन का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये रिलेशन कैसे आते हैं इसका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए, उसी को फंडामेंटल बोलते हैं. ठीक है, सिद्धेश मोरे क्या डाउट है? फिर एक बार जस्ट डायग्राम ड्रॉ करता हूं और क्विकली आपको बता देता हूं. सपोज ये मिरर है. ओके, दिस इज अ कॉन्केव, कोई भी मिरर ले लो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्केव मिरर हमने लिया है. तो यहाँ पे क्या रहेगा, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने कोई भी लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन मैंने मिरर पर ड्रॉ की तो ये क्या होता है बताइए? ये लाइन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू एनी पॉइंट ऑन द मिरर ये हमेशा क्या रहेगा? रेडियस तो रहेगा ही, इन एडिशन टू दैट क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा. ठीक है ना, नॉर्मल रहेगा. उसके बाद और एक चीज हमें पता है, द रेज विच इज पैरेलल टू द मिरर, सॉरी पैरेलल टू द एक्सिस. ओके, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कौन सा एंगल हो जाएगा बताइए? हाउ मच विल बी दिस एंगल? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल ना. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है. तो ये एंगल भी आ ही रहेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा ही रहेगा. तो हमने अभी यहाँ पे देखिए ये एंगल सपोज निकाला हमने, ये एंगल निकाला, ये एंगल. ठीक है, तो अकॉर्डिंग दिस टू आर अल्टरनेट एंगल ना, तो यहाँ पे आई आ जाएगा. देखिए
this ray and axis are parallel, these two rays are parallel to each other and this is the intersecting line. तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यहाँ पे आए ठीक है, दिख रहा है ना ठीक से ओके। उसके बाद यहाँ का एंगल हमने निकाला तो देखिए यहाँ पे ऐसा जेड बनता है, जेड जेड में क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये दो अल्टरनेट एंगल रहते हैं, यहाँ पे आई प्लस आई टू आर आई है तो यहाँ पे भी टू आई रहेगा ओके। एंड उसके बाद जस्ट हम क्या करने वाले हैं, एंगल इन रेडियन का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, एंगल इन रेडियन। एंगल इन रेडियन क्या है, आर्क लेंथ, एंगल इन रेडियन क्या रहता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस रहता है। तो पहले आई के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, आई के लिए फॉर्मूला अभी देखिए, आई के सामने आर्क लेंथ, सपोज ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ है, ओ एंड पी ठीक है, तो एंगल I के लिए ये जो एंगल आगे आ रहा है ना इस तरह से, उसको आर्क लेंथ रहेगा PO एंड इसके लिए रेडियस कितना रहेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ओके, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये रहेगा कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके। उसी तरह से हमने इस 2I के लिए फॉर्मूला अगर लिखना है, 2I के लिए 2I और 2I फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आर्क लेंथ तो वही रहेगा PO डिवाइडेड बाय इसका रेडियस फ्रॉम दिस सेंटर अप टू दिस पॉइंट, ये रेडियस इसके लिए हो सकता है ओके। ये रेडियस मतलब कितना हो जाएगा, फोकस टू द पोल मतलब फोकल लेंथ हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आगे आई क्या करता हूँ, यहाँ पे PO बाय आर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, सो टू एज इट इज आई मतलब PO बाय आर इज इक्वल टू PO बाय एफ, तो PO and PO के कैंसल, 2 by R is equal to 1 by F and therefore F is equal to R by 2, रेसिप्रोकल हमने लिया है, so this is very important formula, okay? How can we use angle is equal to arc divided by radius at point F? Use कर सकते ना, क्यों नहीं use कर सकते बताइए, क्योंकि मोस्टली मैंने क्या बताया, इसलिए मैंने पैराक्सियल रेस का कंसेप्ट बताया है, मतलब अगर रेस क्लोज टू, देखिए ये मिरर है, एक्सिस है, अगर रेस क्लोज टू एक्सिस है ना, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे फोकस है, तो क्या होता है देखिए, ये भी आर्क लेंथ एंड ये रेडियस हो सकता है ना इस तरह से हो सकता है, ये पोर्शन भी मतलब आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय ये रेडियस, मतलब इधर का एंगल आ जाएगा, ये ऐसे अज्यूम करना एग्जैक्टली नहीं आएगा लेकिन वो एप्रोक्सीमेटली उतना ही आता है, ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। या फिर सी पॉइंट से हमने ले लिया तो यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा, ये आर्क लेंथ हो जाएगा, दिस इज फॉर पैराक्सियल रेस, ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक। मार्जिनल रेस के लिए थोड़ा सा वाइलेशन, मतलब जो दूर के रेज है ना वो कंसिडर, मतलब उनके लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट हो सकता है हाँ, क्योंकि रे ऑप्टिक्स इज कंप्लीटली रिलेटेड टू पैराक्सियल रेज, ये ध्यान में रखना है ओके। सो रे ऑप्टिक्स इज कंप्लीटली फॉलोड बाय पैराक्सियल रेज एंड नॉट कंप्लीटली फॉलोड बाय मार्जिनल रेज, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ओके। तो यहां तक तो कुछ डाउट नहीं रहेगा अभी ओके। नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल चालू होने वाला है, वंस अगेन द डिफिकल्ट सेक्शन फॉर द सम स्टूडेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल जब चालू होता है ना तो स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता है फिजिक्स ठीक है। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, ट्राई एंड वन मोर थिंग इज दैट, अगर आपको कुछ मतलब न्यूमेरिकल में डाउट आते हैं तो कॉलेज में आइए और उसमें कुछ डाउट है तो मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, सो ऑफलाइन भी आपको मैं वो बताऊंगा ओके, न्यूमेरिकल में जो भी डाउट आएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द साइन कन्वेंशन ओके। मतलब रे ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन आपने 10th में भी पढ़ा होगा शायद ओके। साइन कन्वेंशन, दिस साइन कन्वेंशन इज रिलेटेड टू बोथ मिरर एंड द लेंस ठीक है।
तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल और द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब मिरर के लिए जैसे पोल रहता है ना, उसी तरह से लेंस के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो सभी डिस्टेंस हमें कहां से मेजर करने हैं, एक तो पोल से मेजर करने हैं या फिर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट साइन कन्वेंशन इज दैट ऑल डिस्टेंसेस आर measured, all distances are measured from pole of mirror or optical center of lens, okay। so distances कहां से measure करना है हमें, एक तो पोल से या फिर ऑप्टिकल सेंटर से। तो मिरर में पोल रहेगा, मतलब ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। उसी तरह से ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ लेंस, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द लेंस, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, ओके। मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, उसको बोलेंगे पॉजिटिव डिस्टेंसेस बोलेंगे, ओके। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर considered as positive or taken as positive, उसको positive ले लेंगे, and vice versa, PICERSA and vice versa। मतलब क्या, incident ray के opposite direction में, opposite direction से जो distances measure करेंगे उसको negative लेंगे। ये आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है ना, ठीक है। सो डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, तो समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से सपोज एक मिरर है, ओके। यहां पे सपोज इसका पोल है, ठीक है, एंड सपोज रेज आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। रेस कैसे मूव कर रहे हैं, इंसिडेंट रेस फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। तो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पोल, पोल के राइट हैंड साइड पे जो डिस्टेंस रहेंगे ना, उसको पॉजिटिव ले लेंगे, एंड पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिस्टेंस रहेंगे ना, उसको नेगेटिव ले लेंगे, ओके। क्योंकि इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव रहेगा, मतलब पी के, मतलब अगर इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट रहता है, इंसिडेंट रे अगर लेफ्ट टू राइट रहता है, तो पोल के राइट के डिस्टेंस पॉजिटिव रहेंगे, लेफ्ट के डिस्टेंसेस नेगेटिव। यहां पे पॉजिटिव रहेगा, यहां पे नेगेटिव रहेगा। सपोज रे डायग्राम इस तरह से, ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में। सपोज ये मिरर है, यहां पे पोल है, तो रे इंसिडेंट रे तो इस तरह से आ जाएगा, यहां पे इंसिडेंट हो जाएगा और यहां इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अभी यहां पे आप मुझे बता सकते हैं क्या कि पोल के ऊपर के डिस्टेंस क्या रहेंगे, आगे पोल के ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव रहेंगे कि नेगेटिव रहेंगे, टेल मी नाउ। ये आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट। पोल के ऊपर डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, अभी नेगेटिव रहेंगे, एंड पोल के नीचे वाले डिस्टेंस क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। देखिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब अगर इंसिडेंट रे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, अगर इंसिडेंट रे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोल के नीचे पॉजिटिव रहेगा, पोल के ऊपर नेगेटिव रहेगा। ये आपको जस्ट एक आइडिया रहना चाहिए आपको, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है, जनरली ऐसा डायग्राम नहीं रहता है, लेकिन ऐसा तभी अगर डायग्राम पूछा गया तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव किधर है आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये पर्पसफुली आपको बताया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। मतलब
the distances which are in direction of the incident ray are taken as positive. Generally ऐसा डायग्राम नहीं रहता है, फिर भी मैंने बताया जनरली डायग्राम इस तरह से ही रहेगा. जो भी रे डायग्राम रहेगा उसमें जनरली क्या रहते हैं, इंसिडेंट रे हम लेफ्ट टू राइट ही दिखाते हैं. मोस्टली क्या करते हैं, इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट दिखाते हैं. अगर इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है तो पी के राइट का पॉजिटिव रहेगा, पी के लेफ्ट का नेगेटिव रहेगा. उसके बाद थर्ड क्या है, देखिए डिस्टेंसेस अबव एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. ओके, डिस्टेंसेस above axis are taken as positive, ठीक है, and below axis taken as negative, ठीक है. मतलब इसके ऊपर क्या रहेगा, एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव रहेगा एंड एक्सिस के नीचे नेगेटिव रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. तो दिस इज द साइन कन्वेंशन, वेरी सिंपल साइन कन्वेंशन में कुछ डाउट नहीं रहेगा. अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए ये कॉन्केव मिरर है, दिस इज कॉन्केव मिरर, ठीक है. तो इसका फोकस यहाँ पे इसका पोल रहेगा, यहाँ पे यही किधर पर क्या रहेगा, इसका फोकस रहेगा, इधर फोकस रहेगा. तो ये रहेगा इसका फोकल लेंथ, ठीक है. तो अभी ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो मुझे बताइए, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव. ओके, फोकल लेंथ क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है. तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा. ठीक, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है. उसी तरह से आप देखिए, सपोज ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पे पोल रहेगा, यहाँ पे एक्सिस रहेगा एंड फोकस इधर किधर रहेगा, फोकस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी के सेंटर में होता है ना, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे एफ रहेगा, यहाँ पे पी रहेगा, ठीक है. अभी मुझे बताइए इसका जो फोकल लेंथ रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, बताइए. ठीक, पॉजिटिव. तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही लेना है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है. क्योंकि फोकस क्या होता है, कॉन्वेक्स में राइट हैंड साइड पे बनता है फोकस एंड कॉन्केव मिरर में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे बनता है, ठीक है. और एक क्वेश्चन अभी पूछता हूं, देखिए दिस इज अ सरफेस, मुझे बताइए इसका रेडियस, उसको रेडियस रहेगा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, इसका रेडियस. ये एक सरफेस है, थर्ड सरफेस, तो मिरर नहीं बोल रहा हूं मैं, दिस इज ओनली अ सरफेस. तो इसका रेडियस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, रेडियस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए. रेडियस देखिए इसका सेंटर कहां पे आता है वो आप देखना पड़ेगा, सेंटर राइट हैंड साइड आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा इसका सेंटर, बताइए. ये जो कर्व सरफेस है इसका सेंटर कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है. यहां पे सेंटर इसका रहेगा, मतलब ये इसका रेडियस रहेगा ना, रेडियस. तो रेडियस लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है, मुझे बताइए. अभी इसका रेडियस लेफ्ट हैंड साइड है एंड लेफ्ट का क्या करते हैं, जनरली हम लेफ्ट का नेगेटिव लेते हैं. तो यहां पे ये रेडियस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. अगर इस तरह से कोई सरफेस में ड्रॉ करता हूं तो इसका रेडियस इसका सेंटर लिया तो राइट हैंड साइड को सेंटर आ जाएगा ना, और रेडियस तो राइट हैंड साइड पर ही आ जाएगा, सरफेस के राइट हैंड साइड पे आ जाएगा. रेडियस लेफ्ट हैंड साइड पे इसका आ सकता है कि आई पॉसिबल है, नहीं आ सकता. तो यहाँ पे जो रेडियस है ना वो पॉजिटिव रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है. उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जनरली क्या करते हैं, प्लेस ऑन लेफ्ट.
ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन लिफ्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए सिंबल हम क्या यूज करते हैं? जनरली यू सिंबल यूज करते हैं, ओके वो नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा। ओके अभी ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम लेफ्ट को ही ले लेंगे, लेकिन इमेज क्या हो सकता है? कभी लेफ्ट को फॉर्म होता है, कभी राइट को फॉर्म होता है, ठीक है? तो अभी एक आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, इमेज डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ मिरर, मिरर के लिए, इन केस ऑफ मिरर बोल रहे हैं ना, क्योंकि लेंस में वो उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी तो मिरर का ही ध्यान में रखिए, एक स्फेरिकल मिरर है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये आपको बताना। वर्चुअल इमेज मतलब क्वेश्चन में कभी कभी क्या दिया जाता है, ऐसा दिया जाता है रियल इमेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, इस तरह से दिया जाता है। तो वर्चुअल इमेज अगर क्वेश्चन में रहता है तो पॉजिटिव लेना है, इमेज डिस्टेंस मतलब फी पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है? फी, फी मतलब इमेज डिस्टेंस। वर्चुअल इमेज काफी पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेज करेक्ट, ओके इट इज पॉजिटिव, क्योंकि देखिए वर्चुअल इमेज तो मिरर के बिहाइंड ही फॉर्म होता है ना, मिरर के बिहाइंड फॉर्म होता है, ओके कॉन्केव मिरर ले लो या फिर कॉन्वेक्स मिरर ले लो, मतलब फॉर एग्जांपल देखिए अभी यहाँ पे एक कुछ चीजें हैं, ये आपको डेफिनेटली मतलब इसका फंडामेंटल अच्छी तरह से होना ही चाहिए, ठीक है? सपोज ये कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट तो इधर रहेगा एंड वर्चुअल इमेज है तो इधर ही बनेगा, या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, सपोज ऑब्जेक्ट तो आगे ही रहेगा मिरर के आगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा एंड इसका वर्चुअल इमेज है तो अंदर ही बनेगा। वर्चुअल इमेज है तो हमेशा मिरर के बिहाइंड मिरर के अंदर ही बनता है, मतलब मिरर के राइट हैंड साइड ही बनेगा वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज मिरर के राइट हैंड साइड बनता है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये लिखा है वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फी इज इक्वल टू पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, ठीक है? वर्चुअल इमेज किस तरह से बनता है इसका अभी टेबल है, टेबल हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल इमेजेस बनाता है, इसका एक इंपॉर्टेंट टेबल है, वो बहुत टेबल इंपॉर्टेंट है, वो हम देखने वाले हैं इसके आगे, ठीक है? तो उसके बाद अगर रियल इमेज बनता है, रियल इमेज अगर रियल इमेज बनता है तो इमेज डिस्टेंस मतलब फी अभी पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है? रियल इमेज बनता है तो रियल इमेज मतलब रेज आर एक्चुअली गोइंग टू मीट, ओके एक्चुअली गोइंग टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करते हैं, मतलब मिरर के आगे ही मीट करेंगे, मतलब ये ध्यान में रखना पड़ेगा। रियल इमेज कहां पे बनेगा? जिस साइड ऑब्जेक्ट है ना वहीं पर रियल इमेज बनेगा। दिस इज वंस अगेन आई एम टेलिंग दिस इज ओनली फॉर मिरर के लिए चल रहा है, क्योंकि लेंस में बाद में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अभी ये ठीक से ध्यान में रखिए, क्योंकि लेंस में वर्चुअल इमेज का नेगेटिव आता है एंड रियल इमेज का पॉजिटिव आता है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ज्यादा कंफ्यूज मत हुई, इतना भी ध्यान में रखिए। मिरर का पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनता है, मतलब पोल के राइट हैंड साइड बनता है कि लेफ्ट हैंड साइड बनता है, रियल इमेज कहाँ पे बनता है, राइट हैंड साइड बनता है कि लेफ्ट हैंड साइड बनता है, ये आपने ध्यान में रख दिया ना, ये आपको मगब नहीं करना है, आपको थिंक करना है रियल इमेज कहाँ पे रहेगा, राइट रहेगा कि लेफ्ट रहेगा, ये आपने दिमाग में ठीक से रखना, तो कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है? तो रियल इमेज कहाँ पे बनता है ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मिरर के फ्रंट ही बनता है, मतलब मिरर के फ्रंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट के साइड बनता है, तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा रियल इमेज, ओके? सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, इरेक्ट इमेज तो फी क्या रहेगा? इरेक्ट इमेज के लिए फी क्या रहेगा? मतलब इस तरह से क्वेश्चन में
हिंट दिया जाता है आपको, इमेज फॉर्म इज इरेक्ट, इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, इट इज रियल, इट इज वर्चुअल एंड सो ऑन. इरेक्ट इमेज बनता है तो क्या हो जाएगा? इरेक्ट. देखिए ये भी आपको एक चीज हमेशा भी मगहब, ये पॉइंट आपको मगहब करना है. इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल ही रहता है. वर्चुअल इमेज इज ओनली इरेक्ट, ओके, एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. ये पॉइंट आपको ध्यान में रह गया ना, आप पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं तो नहीं बताना, अदरवाइज आप नहीं बता सकते. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही रहता है एंड वर्चुअल इमेज ही ओनली इरेक्ट रहता है. तो वर्चुअल इमेज का हमने देखा है ना, वर्चुअल इमेज कैसा है? पॉजिटिव है. तो ये पॉइंट्स जो है ना, आपने टेंथ तक ज्यादा स्ट्रेस इसमें नहीं दिया होगा, ये आपको ध्यान में रखना है और फिक्स ध्यान में रखना है. तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें प्लस माइनस ठीक से लगाना पड़ेगा. अगर प्लस माइनस गलत हो गया ना, आपका सभी प्रॉब्लम गलत हो जाता है. तो इसके लिए ये इनिशियल पॉइंट रिलेटेड टू साइन कन्वेंशन है ना, तो आपको ठीक से ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, तो इरेक्ट इमेज कैसा रहता है हमेशा ध्यान में रखना है, लेंस रहने दो, मिरर रहने दो, वही होता है. इरेक्ट इमेज ऑलवेज कैसा रहता है? रियल. ये ध्यान में रखना है. इरेक्ट इमेज हमेशा, सॉरी, वर्चुअल रहता है. इरेक्ट इमेज ऑलवेज वर्चुअल ही रहता है, वर्चुअल इरेक्ट. एंड रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही रहता है, इन्वर्टेड. तो इरेक्ट इमेज इस तरह से आपको बोला जाए क्वेश्चन में, इरेक्ट इमेज तो क्या हो जाएगा? ये वर्चुअल रहेगा. वर्चुअल मतलब मिरर के अंदर बनेगा. वर्चुअल अंदर मतलब क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. एंड रियल इमेज इन्वर्टेड रहता है, मतलब इन्वर्टेड क्वेश्चन में आ गया. सपोज इमेज इज इन्वर्टेड बोला गया तो रियल होना चाहिए. रियल होना चाहिए मतलब मिरर के लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए. मिरर के लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए मतलब नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि इरेक्ट इमेज मतलब इरेक्ट इमेज रियल रहता है एंड इन्वर्टेड इमेज, ओके, इन्वर्टेड इमेज वर्चुअल रहता है. ऐसा मैंने तो आज तक नहीं सुना है. ठीक है, रियल इमेज वर्चुअल, सॉरी, इरेक्ट इमेज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज रियल, ऐसा लिखते हैं. इन्वर्टेड इन्वर्टेड रियल रहता है. ओके, इसके लिए ये आप ध्यान में रखिए. वेरी वेरी वर्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा. वेरी मतलब वर्चुअल इरेक्ट रहता है, रियल इन्वर्टेड रहता है. वेरी वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड. वेरी वर्ड आप ध्यान में रखिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो. ओके, वेरी वर्चुअल इरेक्ट रहता है, रियल इन्वर्टेड रहता है. वर्चुअल इरेक्ट रहता है, रियल इमेज इन्वर्टेड रहता है. ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट रहेगा, रियल इन्वर्टेड रहेगा. ठीक है, वेरी ध्यान में रखिए. तो साइन कन्वेंशन आपको पता चला ना. साइन कन्वेंशन में कुछ डाउट है क्या? बोलिए, एनी डाउट इन दिस केस? कुछ डाउट है क्या? ओके, डाउट नहीं है ना. ओके, नो प्रॉब्लम. Just for your revision, focus of concave mirror, focus of concave mirror कैसा रहेगा होता है? ये negative रहेगा. focus of convex mirror, okay, ये table हमेशा ध्यान में रखिए. convex mirror क्या रहेगा? positive रहेगा. उसके बाद object distance u हमेशा नेगेटिव ही लेना है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या लेना है? नेगेटिव लेना है. उसके बाद वर्चुअल इमेज है तो फिर क्या लेना है?
पॉजिटिव लेना है, ओके। एंड अगर रियल इमेज होता है ना, रियल इमेज, ओके, रियल इमेज नेगेटिव रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर दिस फॉर मिरर्स, मिरर्स के लिए ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, यू, ओके, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही लेना है, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव लेना है, रियल इमेज नेगेटिव लेना है, एंड वेरी वर्ड ध्यान में रखना है। वेरी, वेरी मतलब वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहता है। ठीक से दिख रहा है ना? एनी डाउट इन दिस केस? इतना ही पार्ट हमने स्टडी किया है, इतना ही पार्ट ठीक से ध्यान में रखिए, ठीक है? हाँ, अभी नेक्स्ट है, दैट इज मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन का हम थोड़ा सा डेरिवेशन का पार्ट देखने वाले हैं। मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन का पार्ट शॉर्ट में, ठीक है? सो मिरर इक्वेशन शायद आपने 10th में स्टडी किया होगा। मिरर इक्वेशन क्या आता है? 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u रहता है, इसको बोलते हैं मिरर इक्वेशन, ओके। 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। एक बार ये डेरिवेशन किस तरह से आता है ये हम देखेंगे, मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ओके। 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, ये किस तरह से आ जाएगा देखिए। सपोज दिस इज अ मिरर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कॉन्केव मिरर, ओके, एंड सपोज यहां पे फोकस है, दिस इज मिरर। तो डेरिवेशन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न कीजिए, डेरिवेशन ध्यान में नहीं रहा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका फॉर्मूला ओनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहां पे देखिए, यहां पे एक रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट दैट इज ए बी, ओके। यहां पे क्या है? एक रियल ऑब्जेक्ट है ए बी, एंड इसका अभी इमेज बन रहा है। इमेज किस तरह से बनेगा देखिए, यहां पे सपोज इसका फोकस है, यहां पे इसका फोकस है, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको पता है द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, एंड द रे विच इंसिडेंट ऑन द पोल अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इट मूव्स लाइक दिस, ओके। जस्ट अ मिनट, फिर एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूं इसका। ए बी यहां पे सपोज फोकस है इसका, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है? एंड सेकंड, द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द पोल अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक है? तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज रहेंगे, दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड यहां पे हमारा इमेज बनेगा। ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है बताइए, रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? ए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इस तरह का ये इमेज है। रियल इमेज है कि वर्चुअल है? रियल, क्योंकि रेज आर एक्चुअली मीटिंग, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करते हैं ना तो रियल इमेज। देखिए रियल इमेज लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, एंड रियल इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? रियल इमेज इन्वर्टेड रहता है, रियल इन्वर्टेड रहता है, रियल इमेज इन्वर्टेड ही रहता है, ठीक है? अभी देखिए यहां पे मैं ट्राइंगल एबीपी एंड ए डैश बी डैश भी कंसिडर करूंगा, ट्राइंगल एबीपी एंड ए डैश
बी डैश पी, दिस पॉइंट इज एम। अभी ट्रायंगल एबीपी एंड ए डैश बी डैश पी किस प्रकार के ट्रायंगल है आप मुझे बता सकते हैं क्या? एबीपी एंड ए डैश बी डैश पी ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ये, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल भी है। सिमिलर ट्रायंगल भी है ना, क्योंकि देखिए इधर 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे जितना एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पे है। तो ये इन दो ट्रायंगल के एबीपी एंड ए डैश बी डैश पी के सभी एंगल्स इक्वल है, यहाँ पे 90 है यहाँ पे 90 है, मतलब एबीपी में बी एंगल एंड ए डैश बी डैश पी में बी डैश एंगल। उसके बाद एबीपी का एंगल पी एंड ए डैश बी डैश पी का एंगल यहाँ पे पी, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली सेम होता है, करेक्ट है ना? तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, साइड का रेशियो सेम होता है, आपको पता होगा। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, साइड का रेशियो सेम होता है। सो AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश क्या हो जाएगा, देखिए AB डिवाइडेड बाय, या फिर उल्टा लिखता हूं, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू B डैश B डिवाइडेड बाय BP, B डैश B डिवाइडेड बाय BP, इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है ना? देखिए A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू B डैश P डिवाइडेड बाय BP। देखिए यहां पे और एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये एक ट्रायंगल है, दूसरा इस तरह से दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, AB A डैश B डैश इस तरह से, ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB क्या होता है, बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी, बी डैश पी बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी, ठीक है ना? ओके अभी नेक्स्ट अभी इससे हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है। अभी मुझे बताइए यहां पे ए डैश बी डैश क्या है, मुझे बताइए ए डैश बी डैश क्या है, यहां पे ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, वो ये भी आपको ठीक से पता होना चाहिए। ए डैश बी डैश ये क्या है, इमेज है, करेक्ट है ना? इमेज का क्या है, इमेज का हाइट है, ये इसको बोलूंगा हाइट ऑफ द इमेज बोलूंगा, बोल सकता हूं मैं ए डैश बी डैश। ए बी क्या है, लेकिन ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश मतलब क्या रहेगा, हाइट ऑफ इमेज रहेगा, हाइट ऑफ इमेज रहेगा, करेक्ट है ना? ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद ए बी क्या रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। अभी देखिए बी डैश पी क्या है, डायग्राम में देखिए थोड़ा सा, बी डैश पी क्या है यहाँ पे, ये इमेज का डिस्टेंस है, पोल से इमेज का डिस्टेंस है ना, क्योंकि ए डैश बी डैश इमेज है, तो बी डैश पी क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, पी यूज करते हैं, ठीक है। एंड बी डैश पी तो हो गया, अभी बी पी क्या है बोलिए, बी टू पी क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो इसको बोलूंगा यू, ओके। अभी साइन कन्वेंशन भी यहां पे यूज करना है, अभी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मुझे बताइए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन एक्सिस के नीचे वाला जो भी डिस्टेंस रहता है ना उसको नेगेटिव लेते हैं, तो यहां पे नेगेटिव साइन अप्लाई होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, नेक्स्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद बी डैश पी मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पोल के लेफ्ट का डिस्टेंस है ये, बी डैश पी मतलब फ्री डिस्टेंस, ओके।
ये क्या है, नेगेटिव है। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, बी टू पी, बीपी क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये भी नेगेटिव है। ठीक है, अभी देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू क्या आता है, पी बाय यू आता है। तो माइनस साइन राइट हैंड साइड को लिखते हैं, या फिर दोनों साइड को माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड को, तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस पी बाय यू हो जाएगा। Height of image divided by height of object is equal to minus p by u. And height of image divided by height of object, इसको कुछ तो टर्म है उसको बोलते हैं कुछ तो, आपको पता है height of image divided by height of object, ये लिए कुछ बोलते हैं हम, हाँ करेक्ट करेक्ट, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ओके मैग्निफिकेशन, बट height of image divided by height of object को बोलते हैं यम, मतलब मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन। ओके मैग्निफिकेशन, देयरफॉर मैग्निफिकेशन का फार्मूला रहता है पी बाय यू माइनस पी बाय यू। ओके तो ये एक फार्मूला हमें मिल गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस पी बाय यू। एनी डाउट इन दिस केस? सो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस पी बाय यू, शायद आपने टेंथ में पढ़ा होगा फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू माइनस पी बाय यू रहता है, माइनस साइन क्यू रहता है, ये अकॉर्डिंग टू इस डेरिवेशन आता है इस तरह से, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस पी बाय यू। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? देखिए क्योंकि हम थोड़ा सा अंदर 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 कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं अभी, अगर डेरिवेशन समझ में नहीं आता है तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो याद में रखना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला इधर गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन फॉर द मिरर इज गिवन बाय फॉर्मूला माइनस पी बाय यू। ओके माइनस पी बाय यू। अभी ये मिरर फॉर्मूला हमें निकालना है। नेक्स्ट अभी ये तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ई डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू बी डैश बी डिवाइडेड बाय बीपी हो गया। ठीक है, अभी देखिए यहां पर a dash b dash f का एंगल a dash b dash f is also similar to triangle a dash b dash f is similar to triangle mpf। तो आप अभी बोल सकते हैं mpf यहाँ पे ट्राइंगल किधर है, लेकिन पैराक्सियल रेज के लिए ये mp स्ट्रेट लाइन ही रहता है, यहाँ पे एंगल तो 90 डिग्री ही है, एक्चुअली 90 डिग्री का एंगल है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है ना, देखिए a डैश b डैश f, ये तो एक ट्रायंगल हो गया इधर का, ये छोटा ट्रायंगल, एंड दूसरा है m p f, तो ये एक्चुअली कर्व है, लेकिन जब हम रेज वेरी क्लोज टू एक्सिस लेते हैं ना तो क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन ही होता है, दिस इज 90 डिग्री, मतलब इसका डायग्राम चाहिए तो निकालता हूं, इसका डायग्राम इस तरह से, देखिए एक कर्व है लेकिन इसको आपको स्ट्रेट अज्यूम करना है। ओके तो यहां पे m to p है 90 डिग्री, यहां a डैश b डैश है एंड यहां पे f है, इस तरह से वो डायग्राम है, सब दिख रहा है ना, एनी प्रॉब्लम इन दिस डायग्राम, a डैश b डैश f m p। ओके ठीक है, अभी देखिए ये भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री, जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल इधर होना ही चाहिए, अपोजिट एंगल्स है, तो इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स क्या है, सेम है, अगर सभी एंगल सेम होते हैं ना, इक्वल होते हैं, सभी एंगल इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिमिलर ट्राइंगल, सभी साइड इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल के सभी एंगल सेम है तो सिमिलर ट्राइंगल होता है, लेकिन सभी साइड सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, congruent, correct. तो यहाँ पे congruent triangle नहीं है लेकिन, क्योंकि साइड थोड़ा कम ज्यादा है, ठीक है, ये similar triangle है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या लिख सकता हूँ, that is a dash b dash divided by mp, a dash b dash divided by mp is equal to b dash f divided by pf, so b dash f divided by pf, correct है ना, साइड का रेशो लिखा है a dash b dash divided by mp is equal to b dash f divided by pf,
AEF. कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना इक्वेशन में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए इतना ही इजी मैं पढ़ा सकता हूं, इससे इजी अभी कैसे पढ़ाऊं वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मुझे बताइए एमपी मतलब और क्या आ सकता है। एमपी इज इक्वल टू कौन सा साइड रह सकता है? डायग्राम देख के थोड़ा सा बताइए एमपी साइड इक्वल टू क्या रहेगा? डायग्राम देख के बताइए थोड़ा सा एमपी साइड, साइड एमपी, साइड एमपी जो है ना वो इक्वल टू कितना है थोड़ा सा देखिए। हाँ एबी, एबी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इमेज नहीं है, एबी है। तो एमपी को रिप्लेस करता हूं मैं, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एबी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डैश ईएफ डिवाइडेड बाय पीएफ होता है। तो यहां पे क्या हो गया देखिए, अभी ए डैश बी डैश बाय एबी के दो इक्वेशन हमें मिल गए, ए डैश बी डैश बाय एबी के हमें दो इक्वेशंस मिल गए, करेक्ट है ना, करेक्ट है ना, दो इक्वेशंस। अगर दोनों का एलएचएस सेम है, दोनों का अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम ही होना चाहिए, आरएचएस सेम होना चाहिए। मतलब सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू मैं लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू देखिए बी डैश पी डिवाइडेड बाय पी पी फर्स्ट का राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाय पी एफ होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए बी डैश पी डिवाइडेड बाय बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ, अभी बी डैश एफ के लिए थोड़ा सा मैं इस तरह से लिख सकता हूं बी डैश पी माइनस पी एफ बी डैश एफ, ये बी डैश एफ ये कैसे निकाल सकता हूं, बी डैश पी से मैंने FP को सब्ट्रैक्ट किया तो बी डैश एफ मुझे मिलता है डिवाइडेड बाय पीएफ। और ये क्यों करना पड़ता है देखिए, क्योंकि बी डैश पी तो हमें पता है, बी डैश पी मतलब इमेज डिस्टेंस है, पी है, बीपी मतलब क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी पता है, पीएफ मतलब क्या है पी टू एफ फोकल लेंथ वो भी पता है, लेकिन बी डैश एफ ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब यू नहीं है, पी नहीं है, एफ नहीं है, तो इसके लिए मुझे बी डैश एफ को रिप्लेस करना पड़ा। और बी डैश एफ को कहां से रिप्लेस किया गया था, बी डैश पी माइनस एफ पी, टोटल बी डैश पी माइनस एफ पी। अभी बी डैश पी तो मुझे पता है ना पी है एंड एफ पी मतलब फोकल लेंथ है, इसीलिए मैंने वो रिप्लेस किया। एनी डाउट अप टू दिस? अभी डेरिवेशन आपका खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही पार्ट यहाँ पे। अभी यहाँ पे विद साइन कन्वेंशन सभी वैल्यूज प्लेस करूंगा, आपका मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो बी डैश पी क्या आ जाएगा, बी डैश पी वंस अगेन इमेज का डिस्टेंस है माइनस पी, बीपी क्या है बी टू पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव है, उसके बाद बी डैश पी क्या है वंस अगेन बी डैश पी तो माइनस पी है, ओके, उसके बाद माइनस P2F क्या है फोकस टू पोल फोकल लेंथ है तो माइनस एफ के माइनस है एज इज रखा माइनस एफ के था, उसके बाद माइनस एफ पीएफ क्या है पीएफ है फोकल लेंथ लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को है इसलिए माइनस लिखा है। ठीक है, तो यहां पे ये माइनस माइनस चला गया तो V by U is equal to आता है एफ माइनस V, क्योंकि माइनस एफ माइनस वी एंड प्लस एफ है ना, तो प्लस एफ आगे लिखा मैंने माइनस वी पीछे लिखा, नहीं तो क्या करूंगा जस्ट मिनट सॉरी, ओके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर एफ ही रहेगा, न्यूमरेटर थ्री माइनस एफ हो जाएगा थ्री माइनस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे फी बाई यू इज इक्वल टू फी बाई एफ माइनस वन बनेगा, फी बाई यू माइनस फी बाई यू इज इक्वल टू फी बाई एफ माइनस वन बनेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा देखिए फुल इक्वेशन को फी से डिवाइड करूंगा, फी से डिवाइड करने के पर क्या हो जाएगा वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाय एफ माइनस वन बाय फी हो जाएगा, यहां इधर फी से डिवाइड किया इधर फी से डिवाइड किया इधर फी से डिवाइड किया तो यहाँ का फी चला जाएगा यहाँ का फी चला जाएगा यहाँ पे वन बाई फी आ जाएगा, माइनस वन बाई थ्री को एलएचएस को लेके आया तो क्या हो जाएगा
वन बाय बी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला. ओके, एंड इन दिस वे देयर इज अ डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला. वन बाय फी इज वन बाय फी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, या फिर वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय फी प्लस वन बाय यू. ओके, समझ में आ रहा है? लास्ट में थोड़ा कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, तो एक काम कीजिए आप, ये वीडियो में अपलोड करने के बाद लास्ट का जो पार्ट है ना, वहां जहां पे आपको कंफ्यूजन है थोड़ा सा, वो रिपीटेडली देखिए, एक बार नोटबुक पर उसको डिराइव कीजिए. आपको निकालना आता है क्या, देखिए कहां पे प्रॉब्लम आता है वो भी थोड़ा सा देखिए, ठीक है. एंड वन मोर थिंग इज दैट, वंस अगेन, दिस डेरिवेशन नीट जेई में तो नहीं पूछा जाएगा, तो समझ में अगर नहीं भी आता है तो भूल जाइए, कुछ जरूरत नहीं है. ये फॉर्मूला जो है ना वो, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. ओके, ठीक है. अब ये फॉर्मूला इसमें रह सकता है, इसमें बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड लेकिन 11 का बोर्ड एग्जाम रहता है ना, 11 का बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला ये डेरिवेशन, 12 का बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा. तो 11 का बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा प्रिपेयर करो और लिख डालो. ओके, 11th एग्जाम का इतना कुछ इंपॉर्टेंस भी एक्चुअली नहीं है, ठीक है. आपको कॉन्सेंट्रेट कहां पे करना है, नीट मेंस सीईटी पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है. तो जो टेस्ट या फिर 11 का जो एग्जाम रहेगा ना, उसमें ये डेरिवेशन हो सकता है, तो इसके लिए आपको चाहिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हाँ, लेंस में माइनस है, करेक्ट. ओके, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑफ द फिजिक्स. बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टडी करेंगे. होप ऑल ऑफ यू have understood all the things.